नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के वाराणसी जिले से, जहां कमेरा चेतना पदयात्रा वाराणसी पहुंचा है। जी हां, ये बड़ी खबर यूपी के वाराणसी जिले से आ रही है। जिले में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल के नेतृत्व में विगत 17 अक्टूबर को झांसी से शुरू हुई कमेरा चेतना पदयात्रा आज वाराणसी के रोहनिया विधानसभा के गांव से गुजरी। झांसी से शुरू हुई पदयात्रा हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली होते हुए वाराणसी पहुंची है। सोमवार तक वाराणसी के अनेकों गांव में भ्रमण करते हुए मंगलवार को मड़ियाहूं विधानसभा जौनपुर पहुंचेगी। तत्पश्चात प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, अमेठी, रायबरेली होते हुए राजधानी लखनऊ तक जाएगी। कमेरा चेतना पदयात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर नारेबाजी करते हुए जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राधेश्याम पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता सिंह, गगन प्रकाश, आलोक कुमार गुप्ता, दिलीप सिंह पटेल, रामलाल पटेल, पंकज सेठ, राजा हाशमी, जय सिंह पटेल, बीएल सिंह, शमशेर बहादुर वर्मा, चंद्रमा पटेल, अमरनाथ मोती, मैनेजर समेत काफी संख्या में लोग शामिल रहे। देखे लोहता से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। पदयात्रा करने का संकल्प लेकर पल्लवी हम सभी के बीच में पहुंच रही है। किसानों की आवाज को बंद करते हुए मैं जितन कुमार यादव, रिपोर्टिंग इंचार्ज लोहता, फास्ट न्यूज इंडिया से। आज हम हमारी जो है पल्लवी दीदी, आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल से है, जो कि 2000 किलोमीटर का जो है झांसी से 17 अक्टूबर को जो स्टार्ट किया गया और 2 नवंबर को जो है लखनऊ में खत्म होगा। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस कमेरा चेतना पर यात्रा के द्वारा हमारे कमेरा समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं, आप बताएं। कमेरा चेतना पर यात्रा के माध्यम से इस देश के कमेरा समाज, मतलब किसान मजदूर मेहनत कर समाज को जगाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें समझाने का काम किया जा रहा है कि अगर उनकी लड़ाई है तो उनको आंदोलन करते हुए सड़कों पर उतरना होगा। और ये लड़ाई है उनके अस्तित्व की, उनके कमाई की, उनकी दवाई की और उनकी भविष्य की पढ़ाई की। क्या आपको लग रहा है कि आपके इस पद यात्रा के द्वारा जो तानाशाही सरकार है, इसमें तानाशाही कर रही है, उनसे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारी पद यात्रा का मूल उद्देश्य है समाज को जगाना। इसका प्रभाव या इसका जो आंकलन है वो सरकार कैसे करती है, ये उनके ऊपर है। लेकिन हमारा न किसी से कोई मांग है, न किसी से विरोध है। हमारा सिर्फ काम है और हमारी सोच है, हमारा विजन है, हमारा आंदोलन है इस समाज को जागृत करते हुए उसके आंदोलन का बड़ा स्वरूप। इस कमेरा जो है चेतना संदेश के द्वारा जो है, जो आप कमेरा समाज को कुछ संदेश देना चाहती हैं, तो हमारे कमेरा समाज के लोग को कुछ लग रहा है कि नहीं, इससे कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, जब हम सड़कों पे उतरे हैं और लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं तो बात सुनने के बाद, विचार करने के बाद लोग जो है समर्थन में, हमारे सहयोग में लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं और चुप रह करके भी ये बताने का काम कर रहे हैं कि अगर हम आपके साथ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बात से वो इत्तेफाक रखते हैं और हमारे समर्थन। थैंक यू।